अपना अस्तित्व बताता है बी फर्स्ट, ठीक है। सेकंड ये था कि बीइंग, ही इज बीइंग पोलाइट, ही इज बीइंग फॉर्मल, ये वाला भी एक यूज होता है, हमने दो देखे थे। आज हम तीन से लेके छह तक देखेंगे और एक दिन हैविंग वाला एक्सरसाइज में रिपीट करा दूंगी, जो क्लियर नहीं था वो मुझे बता देना कौन सा था। आज नहीं, हम मंडे को देख लेंगे, है ना। नहीं क्लियर हुआ हो तो बता देना, किसी को भी किसी में भी डाउट हो बता दो, रिपीट हो जाएगा और क्या होगा। तो अब नंबर थ्री, बी का ही नंबर थ्री, बी इज यूज, और ये आपको पता है कि बी का यूज होता है कंटिन्यूस टेंसेस फॉर्म करने में। बी इज यूज टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंसेस, जैसे ही इज वर्किंग, इज वर्किंग, इज बी का ही तो फॉर्म है, ही वॉज वर्किंग, वॉज बी का ही तो फॉर्म है, दे आर वर्किंग, आर बी का ही तो फॉर्म है, I am working, am B का ही तो फॉर्म है ना। तो B को यूज किया जाता है कंटिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए, he is working, he will be working। अगला, B is used in all passive forms। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं किसी सेंटेंस को, और तुम सबने क्लास 10 तक तो पैसिव सेंटेंस बनाई ही है, एक्टिव पैसिव, क्लास 10 तक बेसिक तो आपको याद है, तो उस पैसिव में बी का लगाया जाता है, यूज किया जाता है पैसिव बनाते वक्त। जैसे द कैट किल्ड द रैट, तो हम पैसिव बनाएंगे तो द रैट वॉज किल्ड, तो वो वॉज आ रहा है ना, वो बी का यूज है, पैसिव में भी बी का यूज होता है। अगला है बी प्लस इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन। अब इस चीज को समझो, इन्फिनिटिव कंस्ट्रक्शन का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, टीओ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब को हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं। अब एक तो होता है कि टीचर जो है डायरेक्टली स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हें, तुम आज रुक जाना क्लास के बाद, तुम 15 मिनट रुक जाना, टीचर कहती है स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट को रोकना है उसे डायरेक्टली कहती है आज तुम रुक जाना। पर अब क्या होता है, वो टीचर कॉपी वॉपियां चेक कर रही है, इतने में एक दूसरा बच्चा आ जाता है, और अब वो टीचर उस दूसरे बच्चे को कहेगी, ये श्याम नाम का बच्चा है जो उसके पास आया है, टीचर श्याम को कहेगी जाओ राम को कहो, राम को कहो कि आज क्लास के बाद उसको रुकना है। तो अब ये शाम क्या करेगा, शाम अगर जाकर राम से कहेगा कि तुझे आज मतलब रुकना है, मैं कह रहा हूं तू रुक जाना आज, तो राम कहेगा तू कौन होता है कहने वाला, मैं क्यों रुकूं। तो अब शाम राम को कहेगा यू, तुम, यू आर टू स्टे बैक आफ्टर क्लास, तुम्हें रुकना है आज क्लास के बाद, यू आर टू, इसका मतलब हुआ मैं नहीं कह रहा, मेरी तरफ से तो तू भले ही घर जा, ऐसा तेरे लिए इंस्ट्रक्शंस है। तो टीचर जो शाम को कहना चाह, राम को कहना चाह रही है कि रुक जाना, वो शाम के माध्यम से पहुंचवाती है, तो शाम राम को कहेगा यू आर टू स्टे बैक, अपन सब तो जाएंगे पिकनिक पे, बट ही इज टू स्टे बैक, उसे रुकना है, उसे यही रुकना है, अपन सब तो जाने पिकनिक पे, इसको यहाँ रुकना है, क्योंकि वो लास्ट टाइम किसी और एक्टिविटी में चला गया था, तो अब की वो नहीं जाएगा, वो रुकेगा, ही इज टू स्टे। ये हम नहीं कह रहे, कहीं से दिया गया इंस्ट्रक्शन, हम केवल माध्यम बनकर दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, इसको हम कहते हैं, देखो बी प्लस इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, कंस्ट्रक्शन, वाक्य की रचना, इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज, निम्न तरीकों से यूज किया जाता है। अब इसको समझो, एक मॉल है और उसमें जेवरों की एक दुकान है, उस जेवरों की दुकान में चोरी हो गई, अब मॉल वाले तुरंत
अनाउंस करते हैं आप सब, यू ऑल आर टू स्टे हियर, आप सबको यहाँ रुकना पड़ेगा, नो वन इज टू लीव, कोई नहीं जाएगा यहाँ से, नो वन इज, इसमें हमने बी का फॉर्म यूज किया, नो वन इज टू लीव, टू लीव मतलब जाएगा, कोई नो वन आ गया, कोई भी नहीं जाएगा विदाउट परमिशन फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से परमिशन लिए बगैर कोई भी मॉल छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। तो अब इसमें मॉल वाले नहीं कह रहे, मॉल वाले अगर जनता को कहेंगे तो जनता कहेगी हम अपनी मर्जी से आए थे और हम अपनी मर्जी से जाएंगे, तो होते कौन हो हमको रोकने वाले, पर मॉल वाले जनता को कह रहे हम कुछ नहीं कह रहे, पुलिस का ये ऑर्डर है कि कोई भी मॉल छोड़कर नहीं जाएगा उनके परमिशन के बगैर, नो वन इज टू लीव विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस। ये समझ में आ गया, किसी और के द्वारा दिया गया ऑर्डर हम आगे हम माध्यम बनकर किसी और तक पहुंचा रहे हैं, इसमें भी बी का यूज होता है। ये देखो, नो वन इज टू लीव द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग से कोई बाहर नहीं निकलेगा विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस, पुलिस के परमिशन के बगैर, यानी नो वन मस्ट लीव, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ही इज टू स्टे हियर टिल वी रिटर्न, इसको यहाँ रुकना है जब तक हम ना लौटें, ऐसा हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ऊपर से ये ऑर्डर्स हैं इसके लिए, ही इज टू स्टे हियर टिल वी रिटर्न, जब तक हम नहीं लौटते इसको यही रुकना पड़ेगा। इज दिस कंस्ट्रक्शन क्लियर? You are to complete your homework by tomorrow. Okay? Rule, इस तरह के construction की खास बात यह है कि जब ये second person में use होता है, you, second person, first person I, second person you, third person he, she, जब ये second person में use होता है तो अक्सर दूसरे के दिए गए आदेश या निर्देश को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। टीचर ने राम को कोई मैसेज देना चाहे, उसने श्याम के माध्यम से वो मैसेज पहुंचाया। तो राम को मैसेज किससे मिला? डायरेक्ट टीचर से नहीं मिला, उसको मैसेज श्याम से मिला, और श्याम को टीचर ने कहा कि जाके राम को ऐसा कह के आओ। तो टीचर श्याम, राम, पुलिस, मॉल के जो जो भी व्यवस्थापक है, और जनता, और ये बीच का व्यक्ति दे रहा है, पर ऑर्डर एक्चुअली ऊपर वाले का है, इंस्ट्रक्शंस उसका है। इज दिस क्लियर? ये एक यूज है, यू आर टू स्टे हियर, तुम्हें यही रुकना है। अगला, प्लान, पहले से तय की गई योजना की सूचना देना। हमने अभी कुछ सेंटेंसेस में ये देखा भी था, ग्रैंड मदर के घर जा रहे वाला एक सेंटेंस आया था ना, शी इज टू रिटायर, शी इज टू स्टार्ट वर्क इन अ वीक्स टाइम, एक हफ्ता में, एक सप्ताह में वो अपना काम शुरू करेगी, तो ये तय है। She is to start work. Two infinitive की हमने दो rules देखे। एक तो ये, एक rule ये कि कोई किसी तरह का instructions, A जो है C तक पहुंचाना चाह रहा है कोई instruction, तो वो B के माध्यम से convey कर रहा है। एक तो ये two infinitive वाला ये use था। एक two infinitive का use ये है जहां पर कोई तय plan है, अगले साल रिटायर हो रही है, पहले हम बनाते थे she will retire next year, अब बनाते हैं she is to retire next year, her son is to be married next month, so she is to retire next year, she is to be married next month, ये वाले uses है। आज इतने ही करो, इससे ज्यादा मत करो, क्योंकि अभी चार पांच और यूजेस हैं जो हम मंडे को करेंगे, पहले इनको पक्का करो, और भी करा के मैं वो हैविंग रिपीट करा दूंगी। एक बार तुम लोग घर जाके वीडियोस जरूर देखा करो, वीडियोस देखोगे तो क्या होगा, कोई रूल कहीं कुछ समझ में आएगा, उसके बावजूद कुछ ढीला होगा तो हम क्लास में देख लेंगे, है ना, इसको कर लो इनफ। अब इसको ऑफ करो और लिटरेचर स्टार्ट कर दें, और
लिटरेचर रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी विट्स आज दोपहर को ही हम